आज ही डाउनलोड करें। ट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ड्राई करके पानी में डाला जाता तो कुछ टाइम के बाद वो उसका वर्जनल फॉर्म में आता है फेल होके क्यों वर्जनल फॉर्म में आता है एंड हमें ये भी पूछ रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पानी में डालेगा तो वो फिल हो जाएगा क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सेल वॉल्स रहेगा वो सेल वॉल्स में सेमी परमेबल मेब्रेन रहेगा तो वाटर क्या होता है की जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पानी में डालेगा या वाटर मॉलिक्यूल्स ने सेमी परमेबल सेमीपर्मल से पास होता है पास होकर वो फिल होता है इसी वजह से उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है दिस प्रोसेस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ने सेमी परमेबल से अंदर पास होता है इसी वजह से वो सेल होता है और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस बढ़ेगा क्लास एक से ट्वेल्थ से लेके मीड आईआईटी जेआई मेंइंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ 400 400 400 पर